वैष्णवी कंबाइंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को रिकमेंड जिन्होंने किया उनका नाम है ये, एंड ये वीडियो काफी लोगों ने रिकमेंड किया, एंड आई नो कि आप लोगों ने क्यों इतना रिकमेंड किया, बिकॉज आप लोगों को मेरे रिएक्शन अच्छे लगते हैं। लाइक करो ना वीडियो को, आप लोगों को मेरे रिएक्शन अच्छे लगते हैं, एंड आप लोग चाहते हो कि मैं रिएक्शन दूं, और वो भी राउंड टू हेल के ऊपर। मेरे से एग्री हो कि मेरे मोस्टली आप लोगों को रिएक्शन वीडियोस राउंड टू हेल के ऊपर अच्छे लगते हैं, सो प्लीज 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 को लाइक अभी पहले से कर दो, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसका टाइटल मैं बताऊं उसे पहले लाइक करना है आपको। टाइटल ही है कि आप इसे बहुतों ने रिकमेंड किया कि दैनिक जागरण का इंटरव्यू हुआ था दैनिक जागरण वालों के साथ राउंड टू हेल की टीम का, एंड आप उस पर रिएक्शन दो। पहले मैंने सोचा यार कैसे यार डिमांडे होती है, लेकिन आप लोगों की डिमांडे पूरी करने के लिए हम ही क्रिएटर बैठे हैं, बिकॉज आपकी वजह से ही मेरा चैनल ग्रो होगा, आपकी वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सो सब्सक्राइब भी करी दो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो, बिकॉज मैं हूँ वैष्णवी भदौरिया एंड आप देख रहे हो वैष्णवी कंबाइन। लेट्स गो स्टार्ट। नॉर्मली नहीं घूम सकते अब थोड़ा देख के जाना पड़ता है। बताओ लड़की बाजी लड़की पहले बात नहीं करती थी, अब हम बात नहीं करते। गाली को कैसे लिखेंगे, तेरी कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? हुकुम मेरे आका। 50 रुपए कहाँ के ओवर एक्टिंग का? एक मंथ सही है हमारे बैरियर तोड़ दिए, ऑडियंस अब पर तक आ गई। एकदम घातक फैन है अपने। पैसा बहुत है दीपिका पादुकोण। बहुत मारे अरे तो पसंद है, कोई शादी थोड़ी कर ली मैंने। पता आप मुझे चले जाओगे ना वापस घर जाओगे तो वही रहेगा, घर तो सेम, कोई चेंज नहीं है घर पे सब सेम। आसपास के हाँ थोड़ा आसपास चेंज आता है, लेकिन यार दोस्तों में कभी चेंज नहीं आता। वो भाई आज भी ऐसी ट्रीट करेंगे, ऐसे ही मिलेंगे नॉर्मल। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। पहले वो सकते थे अब हम सकते हैं। पहली चीज देखो झूठ नहीं बोलेगा कोई, बहुत ज्यादा लेजी है तीनों, रात भर फोन पर पबजी और दिन में सोते हैं ना। इन लेट आने का कारण ये नहीं है, लेट आने का जो कारण है वीडियो एक लानी है मंथ में, इन लानी ऐसी है कि रिकवर कर जाए सब कुछ, मतलब वो नहीं है जल्दी जल्दी कंटेंट देना, अच्छी लानी है वीडियो, ये नहीं है कि कुछ भी डाल दिया। हाँ कुछ भी डाल दिया, लेट आओ मगर कुछ ऐसा लाओ जो कि पब्लिक कहे कि हाँ वाकई में वीडियो थी। अलादीन का ऐसा था, जैन मेरे पास आया था घर, है ना, मूवी आ रही थी। इसको कभी कभी सुनो, इसको जो होते हैं सपने आते हैं, लाइक चूचे को कब सपने आते हैं ना उसमें, तो ये सपने बताता रहता है कि यार ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होगा ये वैसे, मैंने हाँ करते हैं ट्राई, तो उस पर लिखा हमने, मिल गए लिखने के बाद डाल दिया, वो हिट गई। हमारा अलादीन जो था वो लो बजट था, तो जो है उसको कोई सी भी बड़ी चीज मांगोगे तो उसका इतना बजट नहीं था के दे सके। तो उस वीडियो की खासियत ही इन पे थी पूरी, इनको पॉइंट आउट किया गया था कि जिन कैसा होना चाहिए वो तो दे देता है, ये लेंगे लेते नहीं उसमें। मैं ये घिस देता हूँ ठीक है। वो ऐसे ही निकल लियो तुम। चलो 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 लो। हुकुम मेरे आका, जाओ पानी ले जाओ मेरे लिए। चल बे उठ ले गया। पहले पजामे में रहते थे, घर में रहते थे तो पजामा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता, अब बाहर निकलते हैं तो जीन्स पे आ गए, बस यही है मेजर चीज। बाकी लोग थोड़ा पसंद करते हैं, कुछ दिक्कतें भी आई हैं, जैसे कि मॉल में जाते हैं कहीं शॉपिंग करने तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कभी कभी, मतलब प्राइवेसी एक तरह से वो नहीं रही जैसे पहले थी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं कि इतने लोग मिलते हैं, सेल्फी वेल्फी एकदम चौड़े में। मेरी लाइफ में चेंज यही आया कि मुझे जो है थोड़ा सा इसका पहनने का हो गया है, और अच्छे लोगों में जैसे बैठता हूँ अब तो उसका पता चल गया है कि कैसे किसके साथ बैठना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, मेरे को ये सबसे ज़्यादा चेंज है मेरे लिए। जो चेंज भाई कोई एक चेंज नहीं आया है, मैं बताऊँ ये लोग एक एक चेंज बता रहे हैं, मैं बताने बैठ गया तो इंटरव्यू लंबा खिंच जाएगा, इसलिए चेंज बहुत आते हैं, वो छोटे छोटे चेंज होते हैं, बड़े भी चेंज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, मतलब बुरे नहीं अच्छे ही हैं सारे। असल में वो कौन सी वीडियो थी, DSLR वाली थी ना? हाँ 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 DSLR, वो DSLR वाली वीडियो हमने बनाई थी एक, और उसके बाद हमने ऐसे छोड़ दिया, मतलब कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया उस पर ऐसा खास कि तो। छोड़ो इसको, इस टाइप से हो गया था हमारा, तो फिर उसके बाद किसी पेज ने डाल दी थी वो वीडियो। हाँ वो फेसबुक पे पेज चलते हैं ना,
तो उठा के डाल देते हैं ना। और उसके पेज का नाम भी कुछ ऐसे ही था, फोटोग्राफी से रिलेटेड था, तो वो ज्यादा चली वीडियो, लगभग उस पर 2 दिन में 1 मिलियन आ गए थे उस टाइम पे। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यार कहीं तो चली, चैनल पर नहीं चली, वहाँ तो चली है ना। एक ही बताऊंगा, ओरिजिनलिटी, कॉपी नहीं करना, बिल्कुल ओरिजिनल रहो जो है। मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब को कुछ नया दो जो कि यूट्यूब पर ना हो, तभी सक्सेस हो पाओगे। यही मेरा है कि हमने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है तो उसमें कंटेंट यूनिक होना चाहिए आपका। अगर यूट्यूब पर आप आ रहे हो तभी चलोगे, अगर कॉपी है वो भी नहीं चलेगा। मतलब अलग ही होना चाहिए सबसे। कोई गालियाँ दे के उठना चाह रहा है तो वो कॉपी हो जाएगी। गालियाँ दो बट उसबे में नहीं दो, सीधी सीधी थोड़ा घुमा के दे दो, थोड़ा यूनिक होना चाहिए पहलो से, तभी आप उठ पाओगे। आप बताना क्या से क्या। मैं अपनी बताता हूँ पर्सनली, मैं पहले से ही जब छोटा था तो पहले से सोचता आया हूँ कि यार मतलब थोड़ा फेमस नहीं होना, ज़्यादा फेमस होना है, कि ऐसे हाथ उठाएं तो भीड़ चिल्ला जाए कहीं स्टेज। मैं नाजिम से बताता भी था कि यार ऐसा हो, इस टाइप से हो कि हाथ उठाएं तो शोर मच जाए, ऐसे ही था पहले से, यूट्यूब से भी पहले। अच्छा हाँ, अब वसीम भाई तुम क्या होते? क्या होते हम? ओखला में होते, ओखला में होते, एयर कंडीशन का काम करते होते। देखो वसीम भाई नहीं बताएंगे, वो कभी नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। वसीम भाई ने अखबार बांटी, जो सीरियसली बात है ना। दूसरी बात, इन्होंने हर तरीके का काम, इनको आता है भाई, बहुत टैलेंटेड है, टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। मैं भाई, मैं तो 12th होते ही मैंने तो यहाँ एक क्या है होच खास में कोई अकेडमी है, वहाँ पर मैं ट्रायल वगैरह देख आया, और भी कई जगह फुटबॉल के ट्रायल जहाँ सब जगह फेल हुआ। मेरा मन हट गया था, फेल नहीं हुआ दरअसल, एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कॉलेज ज्वाइन कर, कॉलेज ज्वाइन कर। मेरा कोई कॉलेज करने का ऐसा मन नहीं था, क्योंकि मेरा कोई पढ़ाई में मन ही नहीं था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छे करना। खाली टाइम में ज़्यादातर हम या तो गेम्स खेलते हैं या यही खेलते हैं कि स्क्रिप्ट निकल आए। मतलब हमारी स्क्रिप्ट ऐसे नहीं है कि प्रॉपर बैठ के लिखे हम, जैसे बात करते हैं घर में या बैठे बैठे निकल आती है कि भाई स्क्रिप्ट है ये, अब इस पर लिखनी है, किसी टाइप का टाइम लगता रहता है, कोई टॉपिक निकल के आता है उसी पे। जैसा अभी जस्ट हम आ रहे थे यहीं आपको इंटरव्यू देने, तो एक टॉपिक ध्यान में आया था तो उस पर लिख दिया थोड़ा सा। मेन फैन फेस्ट के शो केस में गए, हमें नहीं पता था इतनी ऑडियंस आएगी, इतना वो होगा। तो पहले होता है ना एंट्री करते हैं स्टेज पे, स्टेज पे एंट्री करते ही भाई बैरियर तोड़ दिए, ऑडियंस ऊपर तक आ गई, कैंसिल करने की नौबत आ गई कि इनका शो कैंसिल करो, इनको नहीं करवा, हमारे बस की नहीं है। नीचे से गार्ड बुलाए गए, ऊपर सारे गार्ड वहाँ लगाए गए, फिर जाके जैसे फिर जाके थोड़ा सा, उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही हमें क्योंकि ऑडियंस चीख इतना रही थी। नहीं होता क्या है, कभी कभी आप देखोगे तो लोग कहते हैं जो सेलिब्रिटी होता है स्टेज पर कि चीखो, हम कह रहे थे चुप जाओ यार चुप जाओ, मतलब इतना ओवर हो रहा था सब कुछ, मतलब एकदम घातक फैन है अपने। पहले शुरू में तो जैसे ही हम चढ़े थे तो थोड़ा सारा नर्वस फील हो रहा था, टांगे कांप रही थी, बट जैसे जैसे 2-4 चीजें हमने बोली वहाँ पर तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर हमने फाड़ दिया। गाना अगर किसी गाने में नहीं जाएंगे, खुद का गाना अपना प्लान कर रहे हैं गाना लाने का, एक फैंस को बता दें कि प्लान कर रहे हैं गाना लाने का। संजय सर का कैरेक्टर एक रियल बेस्ड कैरेक्टर है, तो जो हमारे टीचर थे संजय सर स्कूल में, वो मतलब उनका ऐसे ही था, वो खतरनाक गेटअप जो था उनका, कैप पहनना जैसे जैन कैप पहनता संजय सर बनता, कोट डालता ब्लेजर वगैरह, ऐसे ही थे तो डिट्टो सेम ऐसे, मारते इतना नहीं थे लेकिन बहुत मारते थे, मतलब जैसे हम दिखाते हैं इतना तो नहीं, तारा बना दिया लेकिन बहुत मारते थे, बहुत मतलब खौफ था, खौफ था, खौफ था। मेरी एक्ट्रेस तो कैटरीना पसंद थी मेरे को, और अभी भी है, आ जाती है तो कभी भी एकदम। मेरी दीपिका पादुकोण बहुत मारे पसंद है, कोई शादी थोड़ी कर ली है अपना, क्या है वो विराट कोहली, क्या है अनुष्का शर्मा, अनुष्का तेरे को विराट ना, मैं विराट से पिटूंगा। लाइट में टारगेट हमारा जो है नेटफ्लिक्स, मिर्जापुर इस टाइप की सीरीज करनी, एक अपनी सीरीज भी बनाने का मन है। फैंस को सबसे ज्यादा भाई, अगर
कुछ हैं तो यही लोग हैं, यही लोग हम जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के पास बैठे हैं, आज इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की बदौलत है। कल इनकी वजह होगी कि नेटफ्लिक्स पे भी जाएंगे, नेटफ्लिक्स जहाँ भी जाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, बहुत प्यार करते हैं अपने फैंस, बहुत ज्यादा, तो हम उनको और ज्यादा करते हैं। तो बोल दो, लव यू बोल दो, एक बहुत ज्यादा प्यार, लव यू मतलब। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एंड राउंड टू हेल, जैसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया था कि वैष्णवी, अगर आप दैनिक जागरण के इंटरव्यू पर रिएक्शन देंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा वो, आपको काफी अच्छी नई चीजें मिलेंगी सीखने को। एंड आप लोग सारे लोग, जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे, वो सारे लोग एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहे थे, और वो भी एकदम करेक्ट एंड राइट चीज बोल रहे थे। बिकॉज ये मैंने जब इंटरव्यू देखा ना, तो मेरी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनमें मैं भी अब चेंज कर सकती हूँ, चैनल नहीं सबसे, मतलब चैनल नहीं बदल दूंगी। आप लोग अगर सोच रहे हो, रिएक्शन ही वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग पसंद करते हो मेरे रिएक्शन वीडियोस, एंड जो आप लोगों को पसंद है वही मैं करूंगी। इसी बात पे लाइक कर दो। एंड एक चीज और गाइज, आप लोग ना मेरे रिएक्शन वीडियोस काफी ज्यादा पसंद करते हो, वो भी राउंड टू हेल के ऊपर। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि और भी चीजों पे भी आप लोग मेरा रिएक्शन वीडियोस पसंद करो, बिकॉज आई नो मेरा जो वे है वो है रिएक्शन का। अगर आपको मेरे और रिएक्शन वीडियोस देखने हैं ना, राउंड टू हेल के ऊपर या आपके फेवरेट मूसे वाले के ऊपर, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल वैष्णवी कमाइंड, ताकि आप मेरे रिएक्शन वीडियोस देख सको और ज्यादा। एंड आप लोग वो मेरे रिएक्शन वीडियोस देखो, तब आपको नोटिफिकेशन आने के लिए आपको घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे आ गया। एंड एक चीज और गाइज, आप में से बहुत लोग और ऐसे ही वीडियोज को रिकमेंड भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका फेवरेट वीडियो कौन है, और आप उस वीडियो पे मेरा रिएक्शन क्यों देखना चाह रहे हो, रीजन के साथ आपको बताना है। एंड आपका जो कमेंट होगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन वीडियो में आपका नाम फ्लैश कर दूंगी। सो या, दैट्स ग्रेट, सो प्लीज गो एंड कमेंट जल्दी से, जितने ज्यादा ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे और रिकमेंड करोगे वीडियो, उतना ही जल्दी आएगा। सो प्लीज अभी कमेंट करो वीडियो को देखते देखते। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।